हजरत बाबा सैयद रहमतुल्लाह अलैह की सालाना उर्स का आगाज हुआ है। हालांकि कोरोना की वजह से बीते वर्ष की तरह भी इस वर्ष भी यह सालाना उर्स बड़ी ही सादगी से मनाई जाएंगी, ऐसी जानकारी दरगाह कमेटी की ओर से दी गई। कोरोना की वजह से कई चीजों पर प्रतिबंध लगाए गए थे, जिनमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी पूरी तरह पाबंदी लगाई गई थी। भले ही वर्तमान स्थिति में कोरोना की रफ्तार धीमी देखी जा रही है, लेकिन अभी भी कोरोना गया नहीं है। इस चीज को समझते हुए हजरत बाबा सैयद रहमतुल्लाह अलैह की सालाना उर्स को बड़ी ही सादगी से मनाने की जानकारी दरगाह कमेटी के चेयरमैन सिराज शेख इन्होंने दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि कमेटी के चंद लोगों की उपस्थिति में सरकार का सालाना उर्स मनाया जाएगा। वही दरगाह में आने वाले जायरीनों से उन्होंने गुजारिश की कि कोरोना नियमों का पालन करते हुए इस साल भी सादगी से सरकार की उर्स मनाएं। दो साल तो हमने बिल्कुल जीरो जैसे मनाए, इस साल भी हम लोग कोविड पे ध्यान रखते हुए कोई उर्स में बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, ना ही कोई संदल है ना कोई ये है, सादगी से शांति से आज भी हम लोग 20-25 लोगों ने ही मनाए। दाऊद भाई, मैं और अपना मोइन भाई है, पवार साहब जी है और यूसुफ भाई है, और हम लोग जो पुराने लोग हैं 10-12 लोग ने ही मिलके ये सब चीज़ किए है। और आगे भी हम लोग चाहते हैं कि जो 7 दिन चलेगा तो 7 दिन में कोई इवेंट कोई प्रोग्राम हम लोग कोई करने में इंटरेस्टेड नहीं है। जाहिर ना आए, कम से कम लोग आए और कम से कम 2-2, 5-5 लोग ज्यारत करके जाए, उससे ज़्यादा भीड़ भड़कम ना करे। और सभी को बाबा सैयद साहब की उसकी बहुत बहुत बधाई मुबारकबाद। आज ये उर्स कई सालों से मनाया जा रहा है, मेरे हिसाब से लगभग 200 साल के करीब करीब हो गया, पर किसी को पता ही नहीं कि इसका कितना हुआ उर्स है करके। हर बार कोई ना कोई कमेटी चेंज होती है, अभी 5 साल से मैं संभाल रहा हूँ, दाऊद भाई संभाल रहे हैं, मोइन भाई है, और ऐसे हम लोग तमाम यूसुफ भाई वगैरह साथ में हैं, और आगे भी हम लोग ऐसा जो भी गवर्नमेंट को लॉ रहेगा उसके हिसाब से रूल के हिसाब से हम लोग चलते रहेंगे। इस अवसर पर बात करते हुए दरगाह के ट्रस्टी अब्दुल मोइन ने बताया कि इस वर्ष सुकून और शांति से सालाना उर्स मनाया जाने वाला है। वही प्रशासन द्वारा दिए गए नियमों का पालन भी इस दरमियान किया जाएगा, ऐसी जानकारी भी उन्होंने दी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को सरकार हजरत बाबा सैयद साहब अलैहि रहमतुर रिजवान के उर्स के मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज तारीख 28 सरकार के उर्स का आगाज़ हो चुका है। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये तय पाया है, कमेटी के सारे लोगों ने, कि पिछले 2 सालों से जो सुकून और चैन के साथ और कोविड-19 का पालन करते हुए हम लोगों ने जो उर्स मनाया है, इस साल भी उसी तरह सुकून और शांति के साथ हज़रत बाबा सैयद साहब अलैहि रहमतुर रिजवान का उर्स मनाया जाएगा। आप लोगों से, ज़ायरीनों से हमारी ये दरख्वास्त है सारे ट्रस्टियों की, कि आप लोग कम से कम न्यास करें, कम से कम तादाद में लोग यहाँ आए, क्योंकि ये बीमारी लागर बीमारी है और सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक हम 2-3 सालों से पालन कर रहे हैं, और इस साल भी हमने बड़े सुकून और शांति के साथ उर्स मनाने का इरादा किया है। आज 4 बजे 28 तारीख को सरकार की चादर पेश की जाएंगी और 3 तारीख को आम लंगर है। आम लंगर में आप लोगों को, सारे ज़ायरीनों को हम दावत देते हैं कि आप आइए, मगर कोविड-19 का ध्यान रखते हुए आप लोग सरकार की बारगाह में आइए, कम से कम लोग आइए और सरकार के फ्यूज़ व बरकात से आप फैज़ियाब होइए। यही आपसे हम लोगों की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बता दें कि बीते 2 सालों से दरगाह कमेटी की ओर से प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए बड़ी ही सादगी से हजरत बाबा सैयद रहमतुल्लाह अलैह की सालाना उर्स मनाई गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।